वहीं यूपी में शीतलहर के साथ ही कोहरे का कहर जारी है और इस दौरान प्रदेश में सड़क हादसों की संख्या भी बढ़ गई है। बता दें कि सुबह घने कोहरे की वजह से नोएडा, आगरा, उन्नाव, रायबरेली, झांसी में सड़क हादसों में लोगों की मौत भी हुई और कई लोग घायल भी हुए। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, नोएडा, उन्नाव, आगरा, रायबरेली, झांसी और बिजनौर में सड़क हादसे हुए हैं और इन हादसों में कई जगह लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बता दें कि यूपी में शीतलहर के साथ ही कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लगातार घने कोहरे के कारण जो यहाँ की विजिबिलिटी है वो पूरी तरीके से कम नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आज जो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा के अंदर जो कोहरा दिखाई दे रहा है सड़कों पर, और अगर बात करते हैं हाईवे की, ईस्टर्न प्यूरीफाइड हाईवे NH-91 और यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर घने कोहरे के कारण जो गाड़ियों की रफ्तार है वो लगातार धीमी देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कों पर जिस तरीके से कोहरा देखने को मिल रहा है और जो गाड़ियाँ हैं इंडिकेटर और लाइटों को चलाते हुए धीमी गति से दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो ये रोड है, ये हाईवे है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं तेज रफ्तार का कहीं ना कहीं कहर देखा जाता था, लेकिन आज इस कोहरे की वजह से जो है गाड़ियों की रफ्तार जो है बहुत ही धीमी दिखाई दे रही है। लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके से कोहरा गिर रहा है, जो विजिबिलिटी कम दिखाई दे रही, तो जो गाड़ियां हैं तेज कोहरे की वजह से गाड़ियां तेज रफ्तार में चल रही थी, जिसके कारण 12 गाड़ियां आगे से पीछे जाकर लगातार टकरा गई, उसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि जेवर पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को लेकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और वहीं जो यातायात व्यवस्था विलंब हो गई थी तो उसको भी गाड़ियों को भी साइड करा जा रहा है, क्योंकि जो आज का कोहरा जो देखने को मिला 12 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया है, क्योंकि जो कोहरा है आप सड़कों भी देख रहे होंगे गाड़ियाँ जो हैं किस तरीके से रेंगती हुई चल रही हैं, गाड़ियों में इंडिकेटर जला रहे हैं लोग और जो लाइट की फ्लैश लाइट है उसको भी जला के चल रहे हैं, क्योंकि जो कोहरा ये है इस कोहरे में जो लगातार हादसे होते नज़र आते हैं। तो आज भी ऐसे ही एक हादसा यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर हो गया, जहाँ पर तेज रफ्तार गाड़ियाँ 12 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई और उसमें कई लोग घायल हो गए। कैमरा पर्सन करण गौतम के साथ सतीश श्रीवास्तव, JNB न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। तो आपको बता दें कि 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही हैं। बता दें कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, अमेठी में भी कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है और इस दौरान प्रदेश में सड़क हादसों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। और हमारे संवाददाता नोएडा से सतीश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सतीश, शीतलहर और कोहरे का कहर साफ देखा जा रहा है, क्या कुछ बड़ी जानकारी है नोएडा से आपके पास? जी बिल्कुल, सोमित बता दें जिस तरीके से आज जो कोहरा है, घना कोहरा है जो सड़कों पर देखने को मिल रहा है, अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके का जो घना कोहरा है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। जो अगर हाईवे की बात करते हैं कि हमारे जो नोएडा में जो हाईवे है NH-91 यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा हाईवे जो है, इस कारण जो जिस तरीके से कोहरा जो है आज इतना घना कोहरा है जिससे विजिबिलिटी इसकी हो लगातार कम होती जा रही है, और जो हाईवे पे जो गाड़ियां हैं तेज रफ्तार देखने को मिलती, आज वही गाड़ियां जो है लगातार सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही, लोग अपने गाड़ियों के इंडिकेटर फ्लैश लाइट जला के गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल स्लो वाली गाड़ियां चल रही है। लेकिन अभी जो कुछ ही देर पहले की बात है जहां पे घने कोहरे की वजह से 20 गाड़ियां पीछे से जाकर आपस में ही लड़ी, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं जेवर पुलिस जो है उन घायलों को वहां पर एक एक करके निकाल लिया, उनको नजदीकी के अस्पताल में भर्ती कराई। जो कोहरा जो है, कोहरे के कारण इतना बड़ा हादसा ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल रहा है, लेकिन कोहरा जो है अगर तापमान की बात करते हैं तो 12 डिग्री सेल्सियस का तापमान आज लिया गया है, लेकिन अगर जो कोहरा है, अगर कोहरा इसी तरीके से छाता रहेगा तो इसी तरीके हादसे भी लगातार होते चलते जाएंगे, क्योंकि कोहरा जो नोएडा में आज वो घने कोहरा दिखाई दिया। सोमित, बिल्कुल सतीश, देखिए अगर नोएडा की बात करते हैं, ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, तो वहाँ से जो रास्ता गुजरता है वो यमुना एक्सप्रेसवे जो आगरा तक जाता है और उसमें तेज रफ्तार वाहन जो है फर्राटा भरते हुए नजर आते हैं, और ऐसे में अगर बात करते हैं इन हाईवों की तो वहाँ पर सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पुख्ता कदम उठाए गए हैं? सोमित बिल्कुल बता दें, अगर हाईवे की अगर हम बात करते हैं कि जो हाईवे है ये आपका नोएडा से आगरा भी जोड़ता है, मथुरा, अलीगढ़, ये सतीश अपने आपको अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज जो है नहीं आ पा रही है। सतीश अनम्यूट कीजिए अपने आपको। चलिए बिजनौर से हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सतीश का रुख करेंगे बाद में। इमरान, क्या कुछ बड़ी जानकारी है? शीतलहर के साथ में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे में प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम बिजनौर में देखने को मिल रहे हैं?
ठीक है सौमित, मैं आपको बता दूं कि रात्रि में एक यहाँ पर एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होने के बाद रात्रि में पुलिस यहाँ पर जो है कोई गश्त के तौर पे कोई यहाँ पर देखने को तैयार नहीं है। सुबह जब यहाँ पर ग्रामीणों ने आकर के देखा तो एक व्यक्ति सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला, जिसके जो है पूरी तरीके से वो अकड़ा हुआ था और रात्रि में ही मृत्यु हो गई थी। जी इमरान, अगर बात करते हैं कोहरे की, क्योंकि समय चल रहा है कोहरे का, दिसंबर का समय है और 30 दिसंबर तक मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात करते हैं व्यवस्थाओं की, तो प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं लोगों के लिए की गई हैं? देखिए सोमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन की ओर से और जिला अधिकारी की ओर से साफ तौर से यहाँ पर जो है चौराहों पे अलाव की व्यवस्था की गई है, और जैसे कि जिला अस्पताल है या रोडवेज बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है, वहां पर जो है एक अस्थायी रूप से एक रेन बसेरे का व्यवस्था भी की गई है। जी चलिए रुक करेंगे सतीश का। सतीश हमारे साथ इस वक्त नोएडा से जुड़े हुए हैं। सतीश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, तमाम तरह की व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि यूपी सरकार में ठंड से बचने के लिए लोगों को दिशा निर्देश दिए गए, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को ठंड से बचाए, रैन बसेरों में जो सड़क पर खुले में सो रहे हैं लोग, उनको रैन बसेरों में पहुँचाएँ। और उसको देखते हुए प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ बड़े कदम देखने को मिल रहे हैं नोएडा के अंदर? सतीश जी बिल्कुल सोभित, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो है बहुत सी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं, लेकिन अगर यहाँ अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से जो ठंड है, लोग अस्पतालों में जाते हैं रात, उनके पास सोने का ठिकाना नहीं होता है, जो राह चलते लोग होते हैं उनको भी रात में रुकने की कोई जगह नहीं होती, तो इसको लेकर जो प्राधिकरण जो है कहीं ना कहीं अस्पताल के किनारे जो है दो तीन रैन बसेरा बना के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जबकि जिस तरीके से सरकार के जो सख्त आदेश है कि ठंड को लेकर जो है 30 तारीख तक की, मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि 30 तारीख तक की 30 दिसंबर तक जो है लगातार ठंड का कोहराम जारी रहेगा, तो उसको लेकर प्राधिकरण को जो है जगह जगह अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो रैन बसेरा दो तीन बनाए जा रहे हैं, तो दो तीन रैन शहरों में जो जनता है, गरीब जनता है, जो सड़कों पर फुटपाथ पर सोते हैं, उन लोगों को सोने का भी एक ठिकाना बनाना चाहिए। लेकिन प्राधिकरण जो है कहीं ना कहीं देखा जा सकता है इन ठंड को लेकर लगातार लापरवाही बरतता आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज नोएडा ग्रेटर नोएडा के हाईवे पर इतना बड़ा हादसा देखने को मिला, अगर प्राधिकरण के द्वारा वहां पर प्राधिकरण के द्वारा अगर अलाव की व्यवस्था या कोई प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं करी जाती तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता था, तो ये हादसा जो इतना बड़ा हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं टल भी सकता था, क्योंकि जिस तरीके से जो 20 गाड़ियां आपस में टकराई हैं उसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो उसमें जो है प्रशासन की भी लापरवाही कहीं ना कहीं देखी जा रही है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो हाईवे जो है नोएडा आगरा हाईवे सबसे बड़ा हाईवे, तो यहाँ पर इनको अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से थोड़ी बहुत व्यवस्था करनी चाहिए कि जिस तरीके से गाड़ियां जो तेज रफ्तार से थोड़ी बहुत चल भी रही है तो उन गाड़ियों को जो है रोक कर उनको समझाने बुझाने का भी कार्य करना चाहिए। तो प्राधिकरण की जो लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा जो है आज से चालू हो गया, 30 सितंबर तक की मौसम विभाग की तरफ से भी कोहरे को सरकार ने भी इसके आदेश दे दिए, लेकिन प्राधिकरण जो है कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही बरतता नजर आ रहा है। शोभित बिल्कुल, प्राधिकरण की अगर बात करते हैं तो नोएडा में सतीश का कहना है कि लापरवाही देखी जा रही है। और सीधा रुख करेंगे उन्नाव का। उन्नाव से हमारे संवाददाता नवीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नवीन, उन्नाव में मौसम का मिजाज कैसा है? अगर बात करते हैं कोहरे की, तो प्रयागराज, रायबरेली और यहाँ तक कि लखनऊ में घने कोहरे की चादर इस वक्त नजर आ रही है। उन्नाव में मौसम का मिजाज कैसा है नवीन? देखिए मैं बता दूं, आज सुबह से ही कोहरा, घना कोहरा छाया रहा है। इसकी जो मौसम की अगर आप बात करें तो विजिबिलिटी जीरो रही है। इस वक्त 11 बज चुके हैं, लेकिन आप ठीक मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कोहरे का जो धुंध है वो अभी भी छाई हुई है, जो साफ तस्वीरें देखने को मिल रही है। ऐसे में उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आगरा एक्सप्रेस वे में आज सुबह देर सुबह जो है, जब विजिबिलिटी बहुत लो थी, उस वक्त एक हादसा हो जाता है। इसमें एक कंटेनर है जो आगरा एक्सप्रेस वे की एयर स्ट्रिप पे खड़ा हुआ था, जिसके पीछे एक डबल डेकर बस आ रही थी, वो कंटेनर को देख नहीं पाती है। और क्योंकि ये पूरी तरीके से बताया यही जा रहा है कि कोहरे की वजह से जो बस होती है वो डिवाइडर पर चढ़ जाती है, और इसके पीछे जो एक अन्य और बसें और वाहन आ रहे होते हैं वो एक साथ चपेट में आके एक्सीडेंट हो जाता है। इस पूरे मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन सभी को पास के जो बांगरबो कोतवाली के सीएससी सेंटर में लाया गया है, जहां पे नीचे सबका इलाज चल रहा है। लेकिन कुल मिला के ये है कि आज जिस तरीके से मौसम का सबसे घना कोहरा देखा गया है, इस घने कोहरे में लगातार आप सब यूपी के तमाम जिलों में से ऐसी खबरें आ रही है जहां पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों में एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल पा रही हैं। हालांकि
अभी भी 11 बज चुके हैं, 11 बजे तक भी मौसम अभी भी खुला नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी विजिबिलिटी लो है और जो वाहन है उनकी जो रफ्तार है वो धीमी पड़ी है। बिल्कुल नवीन, देखिए अगर कोहरे का कहर की बात करते हैं तो लगातार देखा जा रहा है और इस दौरान जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि बड़ा हादसा उन्नाव में देखने को मिला। अगर बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की तो उनकी तरफ से क्या एहतियाती कदम कोहरे को लेकर, शीतलहर को लेकर, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर उठाए जा रहे हैं? देखिए कोहरे को लेकर अलर्ट तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से मौसम विभाग ने बीते दिनों में ये अलर्ट जारी कर दिया था कि आने वाले दिनों में कोहरा, घना कोहरा और शीतलहर चलेगी, इसको लेकर मौसम विभाग, इसको लेकर जो जिला प्रशासन है उसने तो कमर कस ली है। जो जनपद में जहां रैन बसेरे हैं वहां व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है और कोई भी रैन बसेरों में व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई और अलाव की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि मौसम ने एकदम से करवट ली है, करवट को देखते हुए जो सबसे पहला अगर इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो सड़कों पे वाहन नहीं चल पा रहे हैं उनको देखने को मिल रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद लो हो गई है जिसकी वजह से एक्सीडेंट और हादसे लगातार हो रहे हैं। जो भी आज सुबह सुबह ही हादसा हुआ है जिसमें डबल डेकर बस जो है कंटेनर, खड़े कंटेनर की चपेट में आ गई, उस पर उसके पीछे लगातार कई जो कारें थी वो भी चपेट में आ गई, इसमें एक व्यक्ति की मौत और कई 12 से लोग घायल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो घना कोहरा है उसका असर सड़कों पे देखने को तमाम मिल रहा है। इसमें लोगों को यही एहतियात बरतनी चाहिए कि वो घने कोहरे को देखते हुए सड़कों पर धीमी गति से वाहन चलाए। हालांकि ये होना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि लोगों को अक्सर अपने काम से जाना पड़ता है, लेकिन प्रशासन की अगर आप बात कर रहे हैं तो प्रशासन ने आप धीरे धीरे कमर कसनी शुरू कर दी है, अलाव है और रैन बसेरों में लोगों को जो व्यवस्थाएं हैं वो करनी शुरू कर दी है और अलाव भी जलाए जा रहे हैं। बिल्कुल नवीन, उन्नाव और नोएडा की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शकों ने जानी है। चलेंगे सीधे बिजनौर जहां पर हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। बिजनौर में क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासनिक तौर पर देखी जा रही है, तमाम दिशा निर्देश दिए जाते हैं यूपी सरकार की तरफ से और उसको लेकर जमीन पर क्या हकीकतें हैं, इमरान आपसे जानना चाहेंगे। अनम्यूट कीजिए अपने आप को इमरान। जी बताइए। बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस हर गाड़ी में पीछे टेपिंग कर रही है और साथ ही साथ अगर कोई बिना टेपिंग के दिखाई दे रहा है तो उसको कोहरे को देखते हुए उसको जो है पूरी तरीके से सतर्कता बरतने की बात कह रही है। जी बिल्कुल, नोएडा से हमारे साथ इस वक्त सतीश जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे सीधे सतीश का। सतीश, प्रशासनिक तौर पर आपने बात की कि कहीं ना कहीं हीला हवाली देखी जा रही है, नोएडा की बात करते हैं, अगर ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, गाजियाबाद की बात करते हैं तो काफ़ी संवेदनशील माना जाता है और कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर जो प्रशासनिक अमला है अधिकतर यहाँ एक्टिव नजर आता है। शीतलहर जारी है, कोहरे का कहर देखने को मिला और ऐसे में ये ढीला रवैया प्रशासन की तरफ से क्यों अख्तियार किया जा रहा है? सतीश जी बिल्कुल, सोमिल बता दें कि जो सरकार है वो ठंड को लेकर बहुत ही एक्टिव नजर आ रही है, तो सरकार की तरफ से अगर जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं लोगों को, क्योंकि जिस तरह घना कोहरा है, जो इंडस्ट्रीज इलाका होता है और जो अस्पताल के किनारे जो लोग अस्पताल में नहीं रुक पाते हैं, लोगों को भगा दिया जाता है, जो पेशेंट के साथ लोग आते हैं, तो उनके लिए जो प्राधिकरण के द्वारा जो है रेल बसेरा तो बनाए गए हैं, लेकिन 2-3 रेल बसेराओं में 10-12 लोग ही सिर्फ जा सकते हैं, जबकि प्राधिकरण को जो है कई रेल बसेरा बनाने का जो है करोड़ों रुपए का बजट दिया गया है, लेकिन प्राधिकरण के द्वारा जो है लगातार रैन बसेरा बनाए जा रहे हैं, अलाव की व्यवस्था भी करी जा रही है, लेकिन सिर्फ सूझबूझ दिखाने के लिए थोड़ी सी व्यवस्थाएं करके सिर्फ अपना पल्ला झाड़ लिए प्राधिकरण। क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्राधिकरण की बजट की, तो प्राधिकरण को जो बजट दिया जाता है वो काफी अच्छा दिया जाता है, क्योंकि सरकार भी पूरी तरीके से एक्टिव है, क्योंकि लोग सड़कों पर सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, तो इन्हीं लोगों के लिए रैन बसेरा बनाए जाते हैं, लेकिन प्राधिकरण के द्वारा जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, वो अपनी जेब गर्म करने के उसमें लगे रहते हैं, ना कि जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए उन व्यवस्थाओं को थोड़ा मोड़ा करके ढोल मोल कर देते हैं, बाकी व्यवस्थाओं का जो पैसा होता है वो अपनी जेब में टकार जाते हैं। तो सरकार तो एक्टिव है, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी जो है कहीं ना कहीं खोखले होते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज से जो ठंड का माहौल चालू हो गया और जो घना कोहरा है अभी भी आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि अभी भी दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो कोहरा बहुत ज्यादा है, तो प्राधिकरण को इसमें है जो कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए। सोबित बिल्कुल सतीश, यमुना अथॉरिटी का भी जिक्र करना चाहूंगा। यमुना अथॉरिटी की तरफ से हर बार ठंड को लेकर नई गाइडलाइन आती है, नए दिशा निर्देश दिए जाते हैं, इस बार क्या कुछ आमूलचूल परिवर्तन जो है देखने को मिल रहा है यमुना अथॉरिटी की तरफ से, यमुना एक्सप्रेस के लिए?
जी बिल्कुल बता दें, क्योंकि जो नोएडा आगरा जो एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेस यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत ही आता है, लेकिन यमुना प्राधिकरण के जो सिक्योरवीर सिंह है वहां के जो अधिकारी हैं, अलाधिकारी जो ठेकेदार हैं, उन लोगों को वहां पे यमुना एक्सप्रेस को लेकर लगातार दिशा निर्देश देते रहते हैं, लेकिन जो वहां के कर्मचारी जो ठेकेदार है उन आदेशों की धज्जियां उड़ा देते हैं, क्योंकि जो लगातार यमुना प्राधिकरण के द्वारा लगातार बैठक करी जाती है उसमें नए नए मुद्दों को सामने लाया जाता है। जिस तरीके से कोहरा जो चल रहा है, कोहरे को लेकर भी बीते दिनों मीटिंग करी गई थी प्राधिकरण के सीईओ के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी जो ठेकेदार है वहां के, तो उन जो जो आदेश आ रहे हैं तो उन पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ठंड भी है और प्राधिकरण के द्वारा जो अलाव की व्यवस्था वगैरह होनी चाहिए तो सब जमुना प्राधिकरण के द्वारा करना चाहिए, लेकिन जो तो वहाँ के ठेकेदार वगैरह है तो उनके कानों में ना तो जू रंग रहा है, वो सीधा सीधा पलीता लगा रहे हैं जमुना प्राधिकरण के अधिकारियों। जी चलिए रुक करेंगे सीधे उन्नाव का, नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्नाव से। उन्नाव के अगर जिक्र करूं नवीन, तो गंगा का किनारा पड़ता है और कहीं ना कहीं ठंड की अगर बात करते हैं, शीतलहर की बात करते हैं, तो कानपुर उन्नाव में कहीं ना कहीं दूसरी जगहों से ठंड जो है वो अक्सर जो है ज़्यादा महसूस की जाती है। बात करते हैं स्कूली बच्चों की, शिक्षा व्यवस्था की, स्कूल प्रशासन की, तो उनकी तरफ से क्या कुछ एहतियाती कदम बच्चों के लिए उठाए जा रहे हैं नवीन? देखिए, जिला प्रशासन ने अभी बच्चों को लेकर किसी तरीके का कोई निर्देश नहीं जारी किया है। हालांकि ठंड का अभी मौसम तो ने तो करवट ली है, पहला ऐसा दिन है जिसमें सबसे ज्यादा लो विजिबिलिटी रही है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने अब जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस ठंड को लेकर स्कूल में बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो बच्चों की जो स्कूल है उनको लेकर रेगुलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं निर्देश जारी करेंगे। हालांकि अभी कोई ऐसे निर्देश नहीं आए हैं, चूंकि सबसे पहली जो चीजें इस ठंड को बदलते मौसम को लेकर विजिबिलिटी लो को होने की वजह से जो चीजें देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं सड़कों पर सबसे पहले आम देखने को मिली है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में कई जिलों में, चाहे आगरा एक्सप्रेस पे हो चाहे नोएडा एक्सप्रेस पे हो, लगातार आज जिस तरीके से लो विजिबिलिटी रही है उसमें कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुए हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि जो वाहन हैं जो एक्सप्रेसवे में अनावश्यक खड़े हो जाते हैं, जिनकी लो विजिबिलिटी की वजह से जो तेज रफ्तार में वाहन आ रहे होते हैं वो उनको नहीं देख पाते और इस तरीके से हादसे हो जाते हैं, इनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो यातायात पुलिस है उसको कमर कसनी पड़ेगी और देखना ये होगा कि किस तरीके से जो हादसे हो रहे हैं वो हादसे ना होने पाए। हालांकि जो आपने जिस तरीके से बात की उन्नाव और कानपुर गंगा का किनारा है, बिल्कुल सही है आपका कि गंगा का किनारे होने की वजह से यहाँ पर खुला मौसम और ठंड और कोहरे का असर ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इस चीज को सबसे ज्यादा सफर अगर कोई कर रहा है तो वो उन्नाव में किसान कर रहा है, क्योंकि किसान इस वक्त अपने गेहूं में पानी भी लगा रहा है और खेती बाड़ी का समय भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसानों को बड़े घने कोहरे और ठंड में जानवरों से बचाने के लिए और तमाम ऐसी चीजें हैं जो जो उनके सामने समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि किसानों के लिए ये ठंड काफी हाड़ कपाऊ ठंड है और इसको लेकर जिला प्रशासन ने अभी कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया था। हालांकि बीच बीच में तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन अब ठंड के लिए कोई ठोस उपाय निकाला जा सके इसको लेकर जिला प्रशासन सोच रहा है। चलिए, आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि यूपी में शीतलहर के साथ ही कोहरे का कहर जारी है और इस दौरान प्रदेश में सड़क हादसों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुबह घने कोहरे की वजह से नोएडा, उन्नाव, आगरा, रायबरेली, झांसी सड़क हादसे में लोगों की मौत भी हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ठंड का प्रकोप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करते हैं सरकार की, तो सरकार की तरफ से भी ठंड से लोगों को बचाव के लिए तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।